जो दलाई लामा आज कह रहे हैं वो इतनी पुरानी बात हो गई है और उस इतिहास को हम बदल भी नहीं सकते। सिर्फ ये जानते हैं कि महात्मा गांधी इस विचार के थे कि जवाहरलाल नेहरू अपने के लिए ही ज़्यादा सोचते हैं, देश के लिए नहीं सोचते हैं, और इसीलिए उन्होंने यहाँ तक कि जब 15 पीसीसी प्रेसिडेंट्स में 14 पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने सरदार पटेल को पसंद किया पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए और आता देश के प्रधानमंत्री, लेकिन गांधी ने आग्रह किया सरदार पटेल से तुम हट जाओ, बाद में देखा जाएगा। तो गांधी जी के दृष्टिकोण में एक ही बात थी कि अंग्रेज़ों को कैसे देश से जाने के लिए विवश करें, और उसमें उन्होंने किया। इसी प्रकार से विभाजन ना हो देश का, इसके लिए उन्होंने कहा जिन्ना को कि तुम ही बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, और बनने के बाद और अंग्रेज चले जाने के बाद जिन्ना को कभी भी हटा सकते थे माइनॉरिटी, और जिन्ना भी होशियार था, उसको पता था, तो उसने माना नहीं। तो इसीलिए आज उसको उठाना, ये तो यूनिवर्सिटी लेक्चर में उठाना चाहिए, सार्वजनिक स्तर पर इसका कोई वैल्यू नहीं है।